बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों को भी। नेताजी, ये नगर परिषद बन गया है, पहले नगर पंचायत हुआ करता था, तो लोगों की अब इच्छाएं भी बढ़ गई है, इच्छाओं की पूर्ति कैसी होगी? देखिए, पहले ये नगर पंचायत था। माननीय नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सीधे ये चुनाव जनता से जोड़ दिए। पहले लोग रुपया के बल पर, धन बल के बल पर वार्ड कमिश्नर लोग को खरीद करके चेयरमैन बनते थे, और वो चेयरमैन बनने के बाद वो लोग अपना रुपया उगाही माने जो लगाते थे वो निकालने के चक्कर में पड़ जाते थे। तो विकास बिजनेस होता था पहले, तो विकास कैसे करेंगे? आज माननीय नीतीश कुमार जी ने अब हम लोगों जैसा गरीब किसान का बेटा को लड़ने के लिए हक दे दिया है, पहले हम लोगों को नहीं मिलता था। तो पहले तो सबसे पहले हम माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे। और रही विकास की बात, तो आपको बता दें कि विकास तो नगर पंचायत में विकास का नाम ही मत रखिए। हम भी, हमारी भी पत्नी 8 महीने के लिए मात्र उपाध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन हमको मौके ही नहीं मिला। 8 महीने के बाद नगर पंचायत डिजल्व हो गया, नगर परिषद हो गया, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज तो सरकार के पास बहुत काफी पैसा है इस विभाग में। तो सबसे पहले नगर पंचायत में आपको हम बता दें कि दो चीज आवश्यक चीज है। चलने के लिए रोड चाहिए, पानी निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। तो यहाँ कहीं से कोई नाला बना दिया गया है, उनके घर से शुरू हुआ, यहाँ आगे खत्म हो गया, उसका निकासी नहीं हो पाया। और हम लोगों के नगर परिषद में का बनावट जो है, वो आपको हमको कहते हैं कि 90% जो धमई नदी है इस नगर पंचायत को टच करती है। आज तक वो नाला को निकाल करके धमई नदी में गिरा दिया जाए, सारा समस्या दूर हो जाए। तो इसलिए हमारा पहला प्राथमिकता है रोड और नाला। तो नेताजी, आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो विकास के मुद्दा पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसको जाति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जनता बहकावे में जाएगी या जो समस्या है बरौली नगर परिषद की, उसके आधार पे ही 10 तारीख को अपना वोट देगी? देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, हम 1990 से और 2022 होने जा रहा है, 32 साल से समाज सेवा में। तो इस चुनाव में कोई ना जात पात होने जा रहा है, मजहब की ना कोई बात होने जा रहा है, ना कहीं धन बल का कोई प्रयोग करेगा तो कोई उसका प्रयोग करने जा रहा है। यानी व्यक्ति का जो आधार है वही काम आएगा, एकदम बिल्कुल जो कर्म किए हैं। मेरे साथ सारे जाति धर्म के लोग एकदम हमको तरहती पर उठा लिए हैं, कह रहे हैं कि अब इस बार मंजू देवी को चरखा छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। नेताजी, जब हम लोग सर्वे कर रहे थे मार्केट में, कुछ लोगों से हमने जाने की कोशिश किया, तो लोगों में काफी नाराजगी है वर्तमान जो चेयरमैन है उनको लेकर। तो लोग कहीं ना कहीं बदलाव के मुद्दा पे वोट करेंगे, लेकिन बदलाव के नाम पे जनता आप ही के साथ क्यों जाएगी? क्योंकि आपके कुछ तो खासियत होना चाहिए ना कि प्रभात जी ऐसा काम नहीं करेंगे, विश्वास भी तो होना चाहिए जनता को। देखिए, हम ऑफिस से पहले भी बोल चुके कि 32 साल हो गया हमको लोगों को सुख दुख में रहने का। हम हर आदमी को 12 बजे रात को कोई कॉल मैंने करता है, उसी समय हम अपना गाड़ी निकाल करके, मोटरसाइकिल निकाल करके लोगों को सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यानी जनता के हर कसौटी पे खड़ा उतरे हैं। जी जी बिल्कुल। इसके पहले हम इस नगर परिषद बरौली से पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी प्रेजेंट हैं भी, इसलिए हम समाज में लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे सामने पैसा का कोई प्रयोग करेगा कोई काम नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जब डायरेक्ट जनता वोट करेगी सभापति के लिए, तो जो भ्रष्टाचार फैला था, जो घोटाला हुआ, उस पे लगाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, सबको हम जांच कराएंगे। कोई ऐसा स्कीम नहीं है, कोई ऐसा फंड नहीं है जिसका हम जांच नहीं कराएंगे। हम कमेटी बनाएंगे, अगर हमको लोग जिता करके भेजेगा तो हम वार्ड कमिश्नर लोगों का एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी से जांच कराएंगे, और जांच में किसी को हम बख्शेंगे नहीं। मीडिया सर्वे में देखा गया कि प्रभात सिंह अनुभवी नेता में उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि जनता इस अनुभव का फायदा उठाएगी और आने वाला 10 तारीख को चरखा छाप पर वोट देकर आपको सभापति बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाज से जुड़े रहने का फायदा तो होगा नहीं, समय बिताने का, समाज में जुड़े हुए हैं इसलिए उसका फायदा हमको मिलेगा। तो आइए, कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर में इस बार के चुनाव में प्रभात सिंह ही क्यों, और भी तो चेहरे हैं। हाँ, सारे चेहरे हैं और जनता भी देख रही है कि कितने साफ सुथरे चेहरे वाले हैं,
जनता को ही निर्णय करना, मालिक तो जनता, यानी इनको बताना नहीं है कि प्रभास सिंह कौन है क्या है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता को सब पता है, सब पता है। यही कारण है कि इस बार के जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अटूट सत्य है। बोलिए, आपका नाम? हरिंदर सिंह। तो आप क्या कहिएगा प्रभास सिंह को लेकर, क्या जो सुनाई दे रहा है वो हकीकत है? हकीकत है, हमारे भी वार्ड में जीते हैं और बहुत काम किए हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं उस समस्या से निजात दिला सकते हैं और अवश्य दिला सकते हैं। उम्मीद है, उम्मीद है हम लोग का। क्या क्या दिक्कतें हैं अभी आप लोगों को? अभी तो हम लोग बहुत ऐसे वार्ड में घूम रहे हैं कि जहाँ पर नहीं रास्ता है, नहीं आने जाने का, पानी गिराने का नाला भी नहीं है। समस्याएं ज्यों का त्यों बनी, ज्यों का त्यों बने, बहुत मतलब पांच चेयरमैन बने लेकिन कुछ नहीं किए। तो देखिए, ये लोग स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये जनता एक मजबूत चेहरे की ओर जाना चाहेगी और यही कारण है कि प्रभात सिंह के तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि जनता को लग रहा है कि अगर ये चेयरमैन के गद्दी पे बैठते हैं तो निश्चित ही भरौली नगर परिषद की दिशा और दशा दोनों बदलेगा और जो विकास वर्षों से बाधित है, जो समस्याएं वर्षों से जकड़ी हुई है भरौली नगर परिषद को, उससे कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाने में प्रभात सिंह का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो क्या कुछ कहिएगा भैया प्रभात सिंह को लेकर? सबसे पहले कैंडिडेट जो मंजू देवी हैं, उनका पति प्रभात सिंह है, युवाओं का दिल का धड़कन है, युवाओं का नेता है, युवाओं का नेता है, युवाओं का दिल का धड़कन भी है। और 30 साल से जो उन्होंने बोला कि मैं 30 साल से समाज सेवा में हूँ बरौली, इनका हम लोग देखे हैं, बचपन से देखे हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात 9 बजे 10 बजे तक इनको हमेशा हम लोग 30 साल से बरौली में देखते आ रहे हैं। जमीनी नेता, जमीनी नेता हैं और कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता है, हर कसौटी पर पब्लिक के साथ खड़े होने वाले नेता हैं। इसलिए हम लोग, हालांकि हम पंचायत से भी आते हैं, लेकिन उनका चरित्र देख करके हम लोग अपना जितना कोशिश हो रहा है हम लोग उनके साथ लग गए हैं, इसलिए कि हर जगह अपना भी सामाजिक होता है। हाँ। उनके साथ हम लोग लग गए हैं कि सारी जनता मिलकर के उनको विजयी बनावे और उनसे लाभ उठावे। तो पहली बार जनता वोट करने जा रही है नगर परिषद और नगर पंचायत के चेयरमैन के पद पे, जी जी, तो क्या लग रहा है कि जो वर्षों से चलता आ रहा था उसमें बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा और हकीकत बदलाव होगा, और जनता के बीच में जीतने के बाद भी जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, समय देने वाले व्यक्ति हैं और एक आम किसान का बेटा है। इनका ऐसे पिताजी भी बरौली में नगर पंचायत में डीलर का भी काम, डीलर थे यहाँ पर, उन्होंने भी डीलर रह करके भी पब्लिक जनता को सेवा किए हैं। और एक ही डीलर है, आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि कोई ऐसा डीलर ना हो जो किसी का बात न सुने, कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत चलता है, लेकिन हमेशा वही एक डीलर है जिनका ये पुत्र है, वो उतना ईमानदार, कहीं से भी पूछ लीजिएगा, कहीं बरौली पूरा नगर परिषद में जाकर के पूछ ले तो उन्हीं का नाम आएगा, श्री राम अयोध्या कौन, जिनका पुत्र है प्रभात सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम पहुंचे हैं बरौली नगर परिषद में और ये गांव आता है मोहनपुर गांव है, जहां पे प्रभात सिंह का दौरा है और यहीं के स्थानीय लोग हैं। लोग साफ, लोगों का कहना है कि विकास ही मुद्दा है, विकास के आधार पे हम लोग वोट करेंगे, 5 साल में जो कार्य हुआ है जनता उसको भूली नहीं है, उसको ध्यान में रखकर ही आने वाले 10वें महीने के 10 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य कीमती वोट देगी। और कहीं ना कहीं जनता यहाँ एक मजबूत चेहरे की तलाश में है और उस तलाश को पूरा करते हुए प्रभात सिंह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विगत 30 वर्षों से राजनीति में अपना पकड़ बनाए हुए हैं और यही कारण है कि इस बार जब जनता डायरेक्ट वोट करने जा रही है चेयरमैन के लिए, तो उनमें जीत के एक प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं प्रभात सिंह।